आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जे मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुसा हुआ है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये हुआ कि अगर एग्जामिनर को थोड़ी सी भी क्वेश्चन तब बनाने होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुसा दीजिए। ऐसे में आपके पास क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं काफी ज्यादा कि अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिफाइन करना होगा, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें आपके पास यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी टफ बनाना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुसा दीजिए। लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, 1 से लेकर के 3 तक, और ये आ गया आपके पास किस बराबर, तो ये बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेंस टू एक्स और माइनस टेंस टू, और ये आ गया डी एक्स के बराबर। देखिए अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके, बहुत सारे बुक में आपके पास क्या किया जाता है, इसका आपके पास ग्राफ बना दिया जाता है। ठीक है, अब जब इसका ग्राफ बना दिया जाता है तो ग्राफ से आपके पास बात एकदम साफ हो जाती है। ठीक है, ग्राफ से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ग्राफ से भी आपके पास क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन आपके पास ग्राफ में थोड़े से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो 1 से लेकर के आपके पास ये आ गया 3 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया एक्स और माइनस वन, इन पूरे का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और माइनस टेंस 3, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस 1 तो इसमें चला जाएगा, माइनस 1 अपने पास एड हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टेंस 3, और ये पूरे बॉक्स के अंदर है और डी एक्स। एक चीज आपको पता होगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर फंसा होता है वो इंटीजर डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। यह आ गया 1 से लेकर के 3 तक, और यह आ गया अपने पास एक्स माइनस 1, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर, और यह आ गया अपने पास बॉक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स यानी तो अपने पास इसको अलग डी एक्स, और यहाँ से माइनस टाइम्स 3, और इंटीग्रेशन यह आ गया डी एक्स 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, 3 तक बराबर। ये अपने पास इंटीग्रेशन एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसको अपने पास क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आपने कहा सॉल्व हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये आपने कहा बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के हम क्या बढ़ रहे हैं आगे, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है, आई वन मान लेते हैं, आई वन, क्योंकि ये आपने कहा इसको आई मान लीजिए, आई इक्वल टू आपने कहा इसके बराबर है, आई इक्वल टू एक सेकेंड, ठीक क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास आई इक्वल टू आपने कहा इसके बराबर है, यहाँ से आपने कहा आई इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी है, तो आपने कहा इसको आई वन मान लेते हैं, आई वन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो I1 आपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, I1 इक्वल टू बताइए, यहाँ से I1 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 तक, और यह आ गया एक्स माइनस 1, और यह आ गया इसका पूरा का होल स्क्वायर, और इसके बाहर बॉक्स बैठा हुआ है, अभी आपके पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यह आ गया आपके पास डी एक्स के बराबर। अब यहाँ से आपके पास क्या कीजिए कि एक्स माइनस 1 अपने इसको भी ये डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास क्या कीजिए इसमें ना, जैसे ही आपके पास बॉक्स एक्स रहता है तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, बॉक्स एक्स में इसको बदलते क्या, तो यहाँ से आपने क्या करते हैं एक्स माइनस 1 को हम अपने के पास t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएंगे डी टी के बराबर, तो यहाँ पे देख लीजिए ये अपने के पास t स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ या ना, बॉक्स के अंदर t स्क्वायर dx की जगह अपने के पास dt। अब अपने के पास लिमिट के बारे में बताइए, तो t जैसे अपने के पास 1 डालेंगे तो ये 0 आ जाएंगे, और 3 डालेंगे तो ये अपने के पास 2 आ जाएंगे, जैसे अपने के पास x 3 डालेंगे तो अपने के पास t कहाँ से 2। ठीक है, तो ये अपने के पास आई वन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं आई वन को, यहाँ से अब आपके पास इसको सॉल्व कीजिए, तो आपके पास यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो ये अगर इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 0 से लेकर के आपके पास 4 तक, 0 और 4 के बीच में जितने आपके पास इंटीजर बन रहे हैं सारे पे ये आपके पास स्प्लिट होगा, तो यहाँ से आई वन इक्वल टू किसान, यहाँ से आपके पास जैसे स्प्लिट करेंगे तो यह आ गया 0 से लेकर के 1 तक, और यह आ गया आपके पास किसके बराबर 0 dt के बराबर। अब आपके पास प्लस टाइम इंटीग्रेशन 1 से लेकर के आपके पास कहाँ तक, तो √2 तक, और यह आ गया आपके पास dt के बराबर। प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन √2 से लेकर के आपके पास कहाँ तक, तो √3 तक, और यह आ गया आपके पास किस बराबर dt के बराबर, लेकिन 2dt तो 2 हम बाहर लिख दिए। प्लस टाइम्स ये आ जाएंगे 3 कहाँ से कहाँ तक, तो √3 से √4 तक, लेकिन 2 ही हो जाएंगे, यह आ गया आपके पास dt के बराबर, क्योंकि t स्क्वायर का जो रेंज है ना, t बिलोंग्स टू आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास t स्क्वायर जो आएंगे वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के आपके पास बराबर, तो यहाँ से आपके पास इसमें जितने भी इंटीजर t स्क्वायर कितने बार इंटीजर बनेंगे इसमें, उस बात का ख्याल रखना है बराबर, तो ये आपके पास इसके बराबर हो गया, हम आपको काफी अच्छे से समझा दिए। अब आपके पास क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये तो लोग सब ऐसे ही कह रहा है कि ये आपके पास पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगे। ठीक है, 1 देखा नहीं कि 0, ये आ गया आपके पास 1 माइनस √2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया 2 इंटू √3, कुछ गलत किए क्या, गलत किया ना, यहाँ से आपके पास 1 माइनस √2 थोड़ी होगा, √2 माइनस 1 के बराबर, √2 माइनस 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2 इंटू √3 माइनस √2 के बराबर, थोड़ी से आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, हम डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर लिए, तो 2 माइनस √3 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया √2 माइनस 1, और प्लस टाइम्स 2√3 माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास 2√2 के बराबर, और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 6 और माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो यह आ गया 3√3
थ्री के बराबर। यहाँ पे आपने कहा जगह नहीं है तो दूसरी जगह आपने कहा एड कर लीजिए, तो टू रूट टू, तो ये आ गया आपने कहा माइनस रूट टू, टू रूट थ्री, रूट थ्री, छह में से एक जाएगा तो आपने कहा पांच के बराबर। यहाँ से आपने कहा क्या कीजिए, डायरेक्ट हम आई वन बताइए, आई वन इक्वल टू आ गया आपने कहा फाइव, और यहाँ से आपने कहा रूट टू वाले टर्म कितने आ जाएंगे, टू रूट टू और टू रूट टू, तो माइनस रूट टू, तो यह आ गया माइनस रूट टू के बराबर। रूट थ्री वाले टर्म आपने कहा थ्री रूट थ्री, और यह आ गया टू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, टू रूट थ्री, ओनली रूट थ्री के बराबर। ठीक है, ये आ गया आपने कहा किसका बराबर, आई वन के बराबर। लेकिन फाइनल आंसर आपने के पास ये नहीं है, फाइनल आंसर आपने के पास कुछ और है, तो आई इक्वल टू बताइए, आई इक्वल टू दे रखा आपने के पास आई वन और माइनस टाइम्स थ्री इंटीग्रेशन डी टी, और लोअर लिमिट आपने के पास कहाँ से कहाँ तक है, तो वन से शायद थ्री तक है, ये आपने के पास आई तो यही है ना, आई वन माइनस टाइम थ्री, वन से लेकर के आपने के पास थ्री के बीच में, बताइए यहाँ से आपने के पास आ जाएंगे आई वन, आई वन का वैल्यू आपने के छिपाइए, तो आई वन का वैल्यू आपने के पास आएंगे फाइव माइनस रूट टू माइनस टाइम्स रूट थ्री और माइनस टाइम्स थ्री इंटू थ्री माइनस वन के बराबर। ठीक है, यहाँ से आपने सॉल्व किया तो यह आपने कहा फाइव माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री और माइनस टाइम्स आपने कहा सिक्स के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपने कहा सारे माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री और यह आपने क्या सुना माइनस छः में से पाँच जाएगा तो माइनस वन के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर के पास आंसर हो जाएंगे वो इसके बराबर, रूट टू रूट थ्री माइनस वन, रूट टू रूट थ्री माइनस वन, ऑप्शन नंबर आपने के पास दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली आपने के क्या इनके करेक्ट आंसर, तो ये थे आपने के पास काफी अच्छे क्वेश्चन। अपने के पास जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए तो देख करके घबराना नहीं है, अपने के पास डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, अपने के पास कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ना यार, कुछ नहीं तो अपने के पास एक बार किंग प्रॉपर्टी लगा कर देखिए, किंग प्रॉपर्टी खैर लगाएगा तो कुछ होता नहीं। तो ये थे आपने के जेई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम सेशन में आए तो बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, आसान क्वेश्चन हो। ठीक है, बस अपने के थोड़ी सी क्लिक करनी चाहिए, तो बस नए इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नए इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।